हे गाइज वेलकम बैक टू अवर चैनल सो गाइज आज से हमारे चैनल पर क्लास एट्थ एन सी आर टी सीरीज स्टार्ट हो रही है तो उसमें मैं आप सभी को क्लास एट्थ के जो भी एन सी आर टी के चैप्टर्स हैं वो बेसिक पॉइंट्स के साथ प्लस एक्सरसाइज भी समझाऊँगी पूरी सॉल्व करके तो आज मैं आप सभी को चैप्टर वन यानी कि रेशनल नंबर जो हैं उनके बेसिक पॉइंट्स समझाने वाली हूँ और इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज वन और वन पॉइंट टू भी सॉल्व करेंगी तो चलिए इसके बेसिक पॉइंट्स देख लेते हैं तो चलिए हम अपना फर्स्ट बेसिक पॉइंट पढ़ते हैं जो कि है रेशनल नंबर एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन दी अपॉन क्यू वेयर क्यू एंड पी आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल जीरो फॉर एग्जाम्पल फोर अपॉन सेवन माइनस टू अपॉन थ्री सेवन जीरो एटसेट्रा तो इसमें बेसिकली ये समझाया गया है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं कोई भी नंबर जिसको कि हम फ्रैक्शन की फॉर्म में यानि कि पी अपॉइन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें या एक्सप्रेस कर सकें और पी और q दोनों इंटीजर्स हों प्लस जो डिनोमिनेटर है यानी कि जो q है वो जीरो नहीं होना चाहिए तब हम कहेंगे कि वो जो नंबर है वो रैशनल नंबर है साथ में यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं फोर अपॉइंट सेवन माइनस टू अपॉइंट थ्री सेवन जीरो होंगे कि 7 जो है वो तो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है तो फिर ये नंबर कैसे हुआ बट हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है लेकिन हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेवन अपॉन वन हम लिखेंगे तो वो सेवन ही होगा और वो फ्रैक्शन की फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट भी कर पा रहे हैं इसलिए सेवन जो है वो भी रैशनल नंबर होगा जीरो भी रैशनल नंबर होगा क्योंकि जीरो को भी हम जीरो अपॉन वन वन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म अ रेशनल नंबर इज सेट टू बी इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म इफ इट्स डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव एंड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन एग्जाम्पल फिफ्टीन अपॉन माइनस तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है एक रेशनल नंबर को हम कहेंगे कि वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है कब कहेंगे जब उसके डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव हो और डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन जैसे एग्जांपल में इसमें दे रखा है, है उसमें डिनोमिनेटर के साथ में माइनस दे रखा है डिनोमिनेटर नेगेटिव है और फिफ्टीन और सेवेंटी फाइव दोनों के तीन तीन कॉमन फैक्टर बन रहे हैं मतलब चार बन रहे हैं इंक्लूडिंग वन वन भी है इसका कॉमन फैक्टर थ्री भी है फाइव भी है फिफ्टीन भी है तो लेकिन हमने तो ये पढ़ा है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन वन तो जब हम इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो हम इसको कट कर देंगे बाय फिफ्टीन तो हमारे पास आ जाएगा वन अपॉइंट फाइव फिर जो माइनस लगा हुआ है डिनोमिनेटर के साथ उसको हम डिनोमिनेटर के साथ हटा देंगे न्यूमिनेटर के साथ लगा देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा पॉजिटिव होना चाहिए नेगेटिव नहीं होना चाहिए तो इसलिए अगर डिनोमिनेटर के साथ माइनस लगा हुआ है कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है मतलब फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा गया वन अपॉन माइनस फाइव स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं तो वो नहीं होगा क्योंकि वन अपॉन फाइव का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है वन के अलावा तो वो तो ठीक है लेकिन डिनोमिनेटर uh, जो है वो नेगेटिव हो गया इसलिए वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा अगर माइनस लगा हुआ है डिनोमिनेटर के साथ तो वो कभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं हो सकता है ठीक है नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं एडिटिव इनवर्स इफ सम ऑफ टू रेस नंबर्स इज जीरो देन दे आर सेट टू बी To 0 and minus 5 plus 5 to 0. तो यह भी एक बात है कि दो नंबर का जैसे आपसे पूछा गया फाइव का फाइव तो इसमें गिवन ही है खैर तो अगर आपसे पूछा गया थ्री का एडिटिव एनवर्स क्या होगा तो अब आप उसको ऐसे नहीं करेंगे थ्री के साथ जीरो माइनस करेंगे तो वो तो बहुत प्रोसेस जो है वो लंबा हो जाएगा इसका एक सिंपल ट्रिक भी होती है कि जो भी नंबर आपको गिवन है आपको उसका साइन चेंज करना है थ्री गिवन है तो आप माइनस थ्री कर देंगे तो वो उसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा और अगर माइनस थ्री गिवन है तो आप उसका साइन चेंज कर दीजिए थ्री आएगा तो वो उसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा वैसे इसमें यह गिवन है कि अगर दो रेशनल नंबर्स का जो सम है वो जीरो होगा तब उनको कहा जाता है कि वो एडिटिव इनवर्स हैं एक दूसरे के जैसे माइनस थ्री प्लस थ्री वो भी जीरो ही है तो ये भी सही बात है लेकिन अगर आपको जल्दी फाइंड आउट करना है तो आपको बस साइन चेंज करने हैं नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल इनवर्स ऑफ ईच अदर फिर इसमें यही बात है कि इसमें आपको गिवन है कि दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट अगर वन है तब वो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होते हैं एक दूसरे के लेकिन अगर आपको फाइंड करना है फॉर एग्जाम्पल आपको फोर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो इस चीज इस केस में आपको करना होता है फ्लिप फोर है तो हमने पढ़ा था कि हम फोर को फोर अपॉन वन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था सेवन वाले केस में तो फोर अपॉन वन को आपको फ्लिप करना है तो वन अपॉन फोर आ जाएगा आपके पास तो वन अपॉन फोर जो होगा वो फोर का मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स होगा ठीक है तो दोनों का फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे फोर इंटू वन फोर तो वो वन ही आएगा तो ये भी सही चीज़ गिवन है इसमें जो गिवन है कि प्रोडक्ट जो होता है दोनों रेशनल नंबर का अगर वो वन है तो वो दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है लेकिन अगर आपको जल्दी फाइंड आउट करना है तो आप फ्लिप कर दीजिए जैसे सेवन पॉइंट थ्री है तो इसको आप फ्लिप कर देंगे तो आपके पास थ्री पॉइंट सेवन आ जाएगा जो कि उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा नेक्स्ट है एडिटिव आइडेंटिटी तो जीरो जो है वो सारे रेशनल नंबर्स की एडिटिव आइडेंटिटी होती है क्योंकि आइडेंटिटी मतलब क्या है आइडेंटिटी मतलब हमारी जैसे आइडेंटिटी कार्ड होता है स्कूल में आइडेंटिटी मतलब बिल्कुल सेम तो अगर जीरो को हम किसी भी रेशनल नंबर के साथ ऐड करेंगे तो हमें सेम रेशनल नंबर मिल जाएगा दैट मीन्स जीरो जो है वो हर रेशनल नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी है फॉर एग्जाम्पल फोर के साथ हमने जीरो ऐड किया तो फोर ही मिल गया हमें वापस से सेम मिल गया आइडेंटिटी मिल गई तो दैट मीन्स जीरो जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है फोर की फोर की क्या सबकी ही जीरो एडिटिव आइडेंटिटी होती है सारे रेशनल नंबर्स की माइनस इलेवन प्लस जीरो माइनस इलेवन होगा तो जीरो सारे रेशनल नंबर की आइडेंटिटी है एडिटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वन क्योंकि वन को हम जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हमें वही नंबर मिल जाता है दैट मीन्स वन सबकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ठीक है एग्जाम्पल में इसमें दिया है सेवन इंटू वन सेवन माइनस फाइव इंटू वन माइनस फाइव तो इससे क्लियर हो रहा है uh, क्योंकि सेम ही नंबर बा, बार बार ऑप्टेन हो रहा है हमें सेम वही नंबर मिल रहा है दैट मीन्स वन इज़ दी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स एंड जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रही है इसलिए ये सेव नहीं हो पा रही सो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे आज की वीडियो के लिए इतना ही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग